कस्बा महावन में स्थित काशनी हरिनाम दास इंटर कॉलेज महावन के नवनिर्मित विद्यालय भवन में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर रमन रेती के प्रमुख संत और समाज सेवी उपस्थित रहे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री काशनी हरिनाम दास इंटर कॉलेज के नवनिर्मित विशाल भवन में काशनी स्वरूपानंद महाराज, गोविंदानंद महाराज, प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा, प्रमुख समाज सेवी श्री प्रमोद गर्ग कसेरे ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित करके ध्वजारोहण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात विद्यालय के नवनिर्मित भवन में ध्वजारोहण किया गया। कोरोना के लंबे अवकाश के बाद विद्यालय के छात्र छात्राएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में एकत्रित हुए। सभी छात्र छात्राएं रमन रेती आश्रम द्वारा भेंट की गई यूनिफॉर्म पहनकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से सभी बच्चों को मिष्ठान भी वितरित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय का विशाल भवन बनवाया गया है, जो कि देश के चुनिंदा निजी विद्यालयों में से एक होगा। जैसा कि सभी को विदित है, इस समय हम सभी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और जिसको कि अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे विद्यालय श्री काशनी हरिनाम दास इंटर कॉलेज में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज एक विशेष बात भी है, जिस प्रकार की सरकार ने घोषित किया है कि अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव के साथ साथ विशेष बात ये है कि अनुदानित विद्यालयों में जहाँ की सरकार की तरफ से भवन के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती, ऐसी परिस्थिति में हमारे जो प्रबंध समिति है उसके प्रयासों से और मेरे प्रयासों से महाराज श्री श्री शरणानंद जी महाराज ने हमारे बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नवीन विशाल भवन का निर्माण कराया है। जो विशाल भवन मैं समझता हूँ जनपद स्तर ही नहीं, विश्व प्रदेश स्तर और देश के जो विभिन्न विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी बहुत ही जो श्रेष्ठ कोटि के विद्यालय हैं उस स्तर का ही भवन बनाया गया है, जिसमें संपूर्ण सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड, ठंडे पानी की व्यवस्था इत्यादि, ये सब व्यवस्थाओं से संपन्न ये विद्यालय आज प्रथम इसमें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।